कांगड़ा जिले में 3000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों को आगामी आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक करेरी, त्रियुंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। IMD शिमला द्वारा चेतावनी अथवा अलर्ट जारी किए जाने पर ट्रैकिंग मार्गों करेरी, त्रियुंड आदि हिमानी चामुंडा के लिए प्रदान की गई सभी पूर्व अनुमति रद्द मानी जाएगी। पैराग्लाइडिंग करने वाले पायलट्स को भी धौलाधार के समीप उड़ान न भरने को कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। यह हिदायतें आगामी आदेश तक लागू रहेंगी। जितने भी ट्रैकिंग एक्टिविटीज 3000 मीटर अबव सी लेवल जो हाइट है उसके ऊपर के जो ट्रैकिंग गतिविधियां उस पे जो है विंटर सीजन को देखते हुए रोक लगा दी गई है। और साथ में जो हमारे प्रचलित ट्रैक्स हैं जिसमें त्रियुंड और करेरी के ट्रैक्स हैं उसमें वेदर फोरकास्ट और IMD की जो प्रडिक्शंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए SP ऑफिस के माध्यम से उनको परमिट किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे ट्रैकिंग एंथुजियास्ट है, लोकल पब्लिक है, उनसे कहना चाहूँगी कि वे वेदर फोरकास्ट और परमिशंस के साथ ही इन रूट्स पे चलें ताकि किसी प्रकार की जो अवॉइडेबल सिचुएशंस हैं या किसी की लाइफ को रिस्क है उसको हम अवॉइड कर सकें। देखिए, ये ऑर्डर जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है इशू किया गया है और इसमें 188 IPC के प्रोविजंस ये एप्लीकेबल होंगे। जो भी व्यक्ति इन कंडीशंस को वायलेट करता हुआ मिलेगा उसके खिलाफ हम सेक्शन 188 IPC में FIR भी करेंगे और जो लीगल नियम के अनुसार जो आगे की कार्यवाही बनती है वो उसमें की जाएगी। पैराग्लाइडिंग के जो हैं उनको एडवाइजरी के फॉर्म में जो है ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो धौलाधार जो रेंज है उसकी तरफ जो है फ्लाई करने के लिए वेदर प्रेडिक्शंस और अन्य जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये गतिविधियां करें।